नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, इस हाथ के विषय में आज महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। देखते हैं हमें क्या क्या इसमें जानकारी जो है प्राप्त होती है। सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो सर्वप्रथम साइज के ऊपर अगर सीधे सीधे तौर पर जाए तो फिंगर की लेंथ जो है बहुत ज्यादा ही शॉर्ट है पूरे पाम के कंपेरिजन में, जिसके कारण व्यक्ति में एनालिटिकल पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ही कमी पाई जाती है। हड़बड़ी, जल्दबाजी, हड़बड़ बोला किस्म के ऐसे लोग होते हैं और इन्हीं सब हड़बड़ी में ही ज्यादातर निर्णय लेने वाले होते हैं। सोचने विचारने में थोड़ी जो है कमी पाई जाती है और जो दिल में आया, दिमाग में आया, इमिजिएटली एक्शन करने पे ऐसे लोगों का विश्वास होता है। ये लोग डिसीजन लेने में या प्लान बनाने में किसी का वेट नहीं करते और जो भी मतलब एक्शन करना है इमिजिएटली कर जाते हैं। बहुत सारे मामलों में ये चीज़ सही साबित होता है, थोड़े थोड़े मामलों में कहीं कहीं पछतावा भी होता है लाइफ में, तो इस पर थोड़ा जो है सुधार करने की ज़रूरत है बेसिकली। और बाकी देखा जाए तो ऐसे जो लोग हैं इनके अंडर में जो है दूसरे लोग बहुत अच्छे से काम कर लेने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है गाइड करने वाले अच्छे होते हों और एक्सपीरियंस जो है ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत अच्छा कुल मिला के देखा जाता है। और वहीं ऐसे लोग जो है दूसरे के अंडर में प्रॉपरली वर्क जो है नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को किसी के दबाव में रहना जो है ज़्यादा पसंद नहीं आता है। आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि सन की फिंगर की लंबाई जो है वो ज़्यादा है, जिसके कारण क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है। साथ ही साथ रिस्पेक्ट और रॉयल्टी भी ऐसे लोगों के लाइफ में ज़्यादा होती है, मतलब रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी होती है, इज्जत सम्मान के बहुत प्यारे होते हैं और रॉयल्टी मतलब राजशाही जिंदगी। कुल मिला के जो है जितनी सन की क्वालिटीज़ हैं वो सब होती है, यानी ऐसे लोगों की जो कीर्ति है वो दूर दूर तक फैलती है सोसाइटी में, समाज में, जहाँ भी रहते हैं एक बहुत अच्छा रेपुटेशन इन ऐसे लोगों का मेंटेन होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुंची, जिसके कारण थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में वीकनेस पाई जाएगी। वहीं शायनेस यानी शर्मिलापन भी होगा अपोजिट सेक्स के प्रति। प्रॉपरली बात नहीं रख पाना, हिचकिचाहट व घबराहट जैसी दिक्कत परेशानी होना या मन के अंदर ही बात को दबा लेना, इस प्रकार का बेसिकली प्रॉब्लम या फिर जो है नेचर पाया जाता है। वहीं थोड़ा केयरिंग पर्सनैलिटी में भी कमी होती है, चीज़ों को अच्छे से नहीं रख पाना और डॉक्यूमेंट्री फाइलिंग इन सब में भी थोड़ी कमी पाई जाती है। फिंगर के बीच में गैप मेंटेन हो रहा है, ये शो करता है इंडिपेंडेंट अप्रोच को, यानी ऐसे जो लोग हैं खुले में जीना, स्वतंत्र जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते, वही मन के मालिक वो मनमोजी किस्म और टाइप के होते हैं। सीधी खड़ी रेखा जितनी है सब फ्रेंडली नेचर को शो करती है, मिलनसार स्वभाव है, आसानी से लोगों के साथ मिल जाने वाले होंगे, फ्रेंडली नेचर व अप्रोच ऐसे लोगों का होता है। अंगूठे के क्षेत्र की चर्चा किया जाए तो वो शुभ है, फर्स्ट जो पर्व है इसकी लेंथ ज्यादा है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर विल पावर अच्छी होती है, यानी इच्छा शक्ति ऐसे लोगों के अंदर अच्छी पाई जाती है। और यहाँ पर जो तिल है वो थोड़ा सा खराब माना जाता है, व्यक्ति के लाइफ में खर्चे बहुत होते हैं, खर्चों पर ऐसे लोगों का कंट्रोल नहीं हो पाता। धन ऐसे लोगों के जीवन में आता भी खूब है परंतु उस प्रकार से जाता भी खूब है। अब आते हैं पाम के साइज के ऊपर कि यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, क्या पता चल रहा है हमें। तो पाम के साइज में आप देख पाएंगे कि पाम का साइज जो है बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेक्टेंगुलर, थोड़ा सा जो है स्क्वेरिश आपको देखने को मिलेगा। स्क्वेरिश जो है चौकोर आकार व्यक्ति को बताता है कि ऐसे जो लोग हैं बहुत ज्यादा ही मेहनती किस्म के होते हैं, मेहनत से हिचकिचाने वाले नहीं होते और अपने लाइफ में तकरीबन हर चीज जो है अपने मेहनत व खुद के बलबूते पर पूरा करने वाले होते हैं। पर्वतों की चर्चा किया जाए तो जितने माउंट्स हैं सब नॉर्मल है, नॉर्मल स्पेसली है, नॉर्मल है, शुक्र शासित और मून का एरिया जो है थोड़ा ज़्यादा है। और आते हैं यहाँ पर सीधे आपको जो है पर्वतों के विषय में, तो गुरु पर्वत यहाँ पर अच्छा स्पेस ले रहा है, थोड़ा कम दबा हुआ, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन या मैरिड लाइफ में थोड़ा सा जो है अनसेटिस्फैक्शन रह सकता है या थोड़ा सा कमी रह सकता है। बाकी आड़ी जितनी रेखा है ये बताती है कि धार्मिकता आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है इसके प्रति मान सम्मान व आदान प्रदान ज्यादा रहेगा, इनकम सोर्स भी लाइफ में अच्छा रहेगा। शनि पर्वत के विषय में चर्चा किया जाए तो शनि पर्वत नॉर्मल है, ज्यादा
जो है जीवन में कष्ट या फिर दिक्कत परेशानी थोड़ा बहुत रहेगा जरूर, परंतु ज्यादा नहीं रहेगा। अपने मेहनत के कारण आप आसानी से जो है खुशियाँ और जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो तकरीबन सब पूरी कर लेंगे। ज्यादा स्ट्रगल या स्ट्रेस जो है नहीं है। भाग्य रेखा का प्रारंभ जो है शुक्र के क्षेत्र से नीचे से प्रारंभ होते हुए इस प्रकार से सीधे जो है यहाँ तक गया हुआ है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। भाग्य का साथ तकरीबन बचपन से ही आपका, आप जो चाहेंगे अपने जीवन में वो तकरीबन सब पूरा कर पाएंगे। भाग्य जो है आपका सहयोग देगा और ये प्रारंभ हुई है शुक्र के क्षेत्र से, जिसके कारण व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन होता है, जो दाम्पत्य जीवन से पहले जो पारिवारिक जीवन होता है वो बहुत ज्यादा ही लक्की साबित होता है। उनके द्वारा जो भी आपके लिए डिसीजन लिए जाएंगे या आपके लिए कुछ भी कार्य उनके द्वारा किया जाएगा या फिर वो लोग जो भी आपके लिए सोचेंगे वो तकरीबन सब जीवन में पूरा होगा, और उनके ब्लेसिंग्स और उनके सपोर्ट के कारण आपका जो है लाइफ में प्रोग्रेस अच्छा होगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा जो है गर्डल ऑफ वीनस जैसी आकृति बन रही है, जिसके कारण व्यक्ति में थोड़ा मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम होता है। मूड में अचानक से चेंजेस जो है बेसिकली देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम आपको रह सकता है। बाकी नॉलेज लाइन अच्छी है, जो शो करती है कि नॉर्मल फैमिली में जन्म लेने के बाद भी आपके पास नॉलेज जो है अच्छा रहने वाला रहेगा। सूर्य के क्षेत्र की चर्चा किया जाए तो सूर्य पर हृदय रेखा से हल्का सा नीचे से रेखा का प्रारंभ हो रहा है। एक से अत्यधिक रेखा का होना बताती है कि व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंड का होता है। सेल्फ मेड डिसीजन में ऐसे लोगों की कमी होती है, यानी खुद से जो है प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाते, किसी न किसी का सपोर्ट सहयोग की जरूरत पड़ती है या फिर दूसरे के कहे अनुसार ऐसे जो लोग हैं ज्यादा चलते हैं। तो थोड़ा मानसिक स्थिरता में भी कमी पाई जाती है, फोकस में भी जो है थोड़ा कमी पाई जाती है, जिसके कारण अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान जो है जॉब पर जाएगा, जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस में जाएगा, दोनों कर रहे हैं तो तीसरे किसी चीज पर चल जाएगा। इस कारण व्यक्ति जो है स्पेशलिस्ट नहीं होता है, स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड से रिलेटेड नहीं हो पाता है। तो सूर्य को उपाय करना बेहद जरूरी है, जिसके कारण एक फोकस नेचर आएगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा, साथ ही साथ जो आपको जीवन में एक पर्याप्त या प्रॉपर जो एक इज्जत सम्मान मिलना चाहिए वो सब आपको मिलना मतलब मिलेगा। मरकरी माउंट की चर्चा की जाए तो एक से अत्यधिक रेखा होना यहाँ पर अत्यंत शुभ है। ये शो करता है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को, यानी ऐसे लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि लोग इनसे इम्प्रेस हो जाएं या फिर ये जो है लोगों को बांधे रखें। तो ये एक प्रकार का बिजनेस लक है जो शो करता है सक्सेस इन बिजनेस लाइन। तो ये जो है बहुत अच्छा वो शुभ चिन्ह मुझे देखने को मिला यहाँ पे। और यहाँ पर हृदय रेखा में भी आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से जो विभाजित हृदय रेखा है ये शो करती है कि व्यक्ति फ्लर्टी नेचर व रोमांटिक किस्म का होता है, हंसमुख हंस मिजाज किस्म का होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण में ऐसे लोगों को रहना पसंद है, एवं ये जिस वातावरण में रहते हैं वो भी सकारात्मक जो है कर जाते हैं। हृदय रेखा का प्रारंभ जो है गुरु के क्षेत्र से हो रहा है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत लॉयल होता है, ईमानदार होता है रिलेशन के प्रति, जिसके साथ रिलेशन निभाते अपने तरफ से 100% देते, परंतु थोड़ा झुकाव जो है मंगल के क्षेत्र में है, तो जिसके कारण थोड़ा एग्रेशन जो है व्यक्ति के लाइफ में ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी इनके शुरुआती जीवन में ज्यादा गुस्सेलपन देखने को मिला है, परंतु मेरिड लाइफ के बाद इन सब चीजों में थोड़ी जो है कमी पाई जाएगी। और बाकी हृदय में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। माइंड लाइन के विषय में चर्चा करें तो स्टार्टिंग लाइफ में थोड़ा स्टडी में प्रॉब्लम रहा है या मन में एकाग्रता में जो है कमी है। बाकी माइंड लाइन आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से जा रही है और एक लाइन जो है इस प्रकार से डिक्लाइन हुई है अचानक से। तो 35 एज के बाद जो है ज्यादा आप सोचने विचारने वाला आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, आप में कल्पनाशीलता जो है ज्यादा आएगी 35 एज के बाद, बहुत ज्यादा सोचेंगे विचारेंगे और हर बात के जड़ तक जाने का एक जो है आपके अंदर प्रवृत्ति रहेगा। लाइफ लाइन की यहाँ पर चर्चा किया जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो जो है इस प्रकार से बहुत शुभ है। रेखाएं जो है बाहर की ओर निकल रही है, फॉरेन ट्रेवलिंग चांसेस ब्राइट है, यात्राओं के दौरान भाग्य उन्नति लिखा हुआ है। कुछ स्ट्रेस लाइन यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है, जो तकरीबन आपको कष्ट देगी। तकरीबन एक जो कष्ट है वो 28 से 32 के बीच में, और जो दूसरा है वो 35 से लेकर के 42 के बीच में जो है थोड़ा अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहने वाला रहेगा, या फिर बेसिकली आप कह सकते हैं कि फ्यूचर रिलेटेड जो है चिंता या फिर टेंशन रहेगा कि आज का दिन तो बीत गया, कल क्या होगा, कल कैसे क्या बीतने वाला। तो ये जो है थोड़े से इश्यूज जो है रहने वाले रहेंगे, और
कुछ रेखाएं जो है शुक्र के क्षेत्र की तरफ से भी आती हुई देखी जा रही है, जो आपको तकरीबन 45+ एज के बाद से थोड़ा सा जो है दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड थोड़ी चिंताएं जो है रहने वाली रहेगी। इसके बाद जो है चर्चा किया जाए मंगल के क्षेत्र की, तो मंगल का क्षेत्र जो है उभरा हुआ, जिसके कारण शारीरिक गठन व बलता और जीवन में उत्साह उमंग जो है जीवन में व्यक्ति के अच्छा होता है। और शुक्र का क्षेत्र भी आपका ज़्यादा उभरा हुआ है, जिसके कारण लग्जरीज वस्तु सुविधा आपके जीवन में अच्छी खासी तौर पर पाई जाएगी। ये सब ज़्यादातर आप जो है सब अपने मेहनत लगन के बलबूते पर ज़्यादा सब ये जो है कर पाएंगे। और थोड़ा जो है अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा खिंचाव वगैरह भी जो है व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा होता है, भोग विलास जो है व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा देखने को मिलता है। केतु के क्षेत्र की चर्चा की जाए तो वो नॉर्मल है, और चंद्र के क्षेत्र की चर्चा की जाए तो शुभ है, जिसके कारण आप जो है दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचने वाले रहेंगे, अच्छा सोचने वाले रहेंगे, और आपके साथ जो भी रहेगा वो ज़्यादातर जो है सकारात्मक ही रहेगा, कोई भी नकारात्मक नहीं रह सकता, क्योंकि आप में आपके अंदर वो एक प्रकार का एक एटीट्यूड है, और आप जो है दूसरों को हमेशा चाहने वाले, पसंद करने वाले, उनका भला सोचने वाले रहेंगे। तो ये क्वालिटीज जो है बेसिकली बिजनेस लक भी है, जिसके कारण बिजनेस के क्षेत्र में आपको सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि बिजनेस की लाइन भी यहाँ पर जो है जनरेट होते हुए देखे जा रही है। ये जितनी है ये सब बिजनेस लक है जो शो करता है सक्सेस इन बिजनेस लाइन। एक से ज्यादा फील्ड में जो है आपको बिजनेस के क्षेत्र में ही सफलता मिलने का योग है। परंतु मनी ट्रायंगल की चर्चा की जाए तो मनी ट्रायंगल यहाँ पर जो है इस प्रकार से ओपन आपको जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से ओपन है, जिसके कारण जीवन में धन तो जो है कुल मिला के अच्छा है, परंतु खर्चे भी जो है ज़्यादा होंगे। एक रीज़न है ये तिल, दूसरा रीज़न है शुक्र, क्योंकि आप जैसे लोग जो लोग हैं कंफर्ट के लिए या फिर कह सकते हैं कि सुख सुविधाओं के लिए या फिर अपनों के लिए या फिर किसी भी चीज़ या ज़रूरत की चीज़ों के लिए खर्चों पर ध्यान नहीं देते, महंगाई पर जो है आप जो है ध्यान नहीं देते। और जी तो ये जो है आप में कैरेक्टर इसकी जो स्केच है वो रहने वाला रहेगा बेसिकली। तो यही रीज़न है कि जीवन में धन तो अच्छा आएगा परंतु रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। तो यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी जीवन में धन आए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे, कहीं ना कहीं वो पैसा लगा दे, जिसके कारण वो पैसे रुकेगा भी, बचेगा भी और बढ़ेगा भी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बाकी करियर ओरिएंटेड बात की जाए तो करियर में सक्सेस मिलने के चांसेस ब्राइट है, क्योंकि लक लाइन जो है बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है। तो जिस भी फील्ड में रहेंगे सक्सेस भरपूर मिलेगा, परंतु बिजनेस जो है वो तब भी कंपेरेटिवली ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला रहेगा। तो इस हाथ में तकरीबन जितनी बातें थी सब मैंने कवर करने की कोशिश करी। कोई और अगर आपको प्रश्न रहेगा हो तो पूछ सकते हो। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।